All right, the second video of exercise 22F. So start the video from second question. If the probability of a horse A winning a race is 1/5 and the probability of the horse B winning the same race is 1/4, what is the probability that one of the horse will win? अब देखिए, आपसे कहा गया है कि first हॉर्स के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है एंड सेकंड हॉर्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो अगर कहीं रेस हो रही होगी तो दोनों में से कोई एक हॉर्स ही विन हो सकता है, जीत सकता है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक से ज़्यादा विनर हो जाएं, जीतने वाला तो एक होगा। तो अगर फर्स्ट वाला जीतता है तो सेकेंड नहीं जीत सकता है, और अगर से सेकेंड वाला जीत रहा होगा तो फर्स्ट नहीं जीत सकता है। तो ये दोनों इवेंट्स आपकी क्या कहलाती हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाती है। इसी दोनों में से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और बी, दो में से एक ही हो सकता है ना, ए एंड बी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट भी जीत जाए और सेकंड भी जीत जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये इवेंट्स आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया 1/5 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आर बी, इस दोनों में से किसी एक ही काम के होने की प्रोबेबिलिटी या दोनों में से किसी एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ हॉर्स विल बी विन, इस दोनों में से किसी एक हॉर्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगा। अब अगर हम दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/4। एलसीएम क्या हो गया, 20 एज ए एलसीएम, 4 प्लस 5 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए आर बी इज इक्वल टू 9/20 एज ए आंसर। बस ये इतना काम आपको इस क्वेश्चन में करना था, वेरी इजी क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आप अपने से भी लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन टोटल ऑफ 9 or 11 मीन्स अगर टू डाइस हों आपके पास और उनको थ्रो किया जाए तो जो ऊपर रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का मीन्स जो भी आउटकम्स मिलते हैं पहले वाले पे और दूसरे वाले पे उसका जो सम होगा वो 9 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला काम तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस मीन्स अगर से टू डाइस को थ्रो किया जाए तो जो आउटकम्स मिलेंगे वो कितने तरीके से आपको रिजल्ट फॉर्म करेंगे। इसलिए हमको सैम्पल स्पेस कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा वो भी देख लेते हैं, एनएस कितना मिलेगा, 36। अभी ये इसको रोकते हैं। अच्छा देखिए कैसे मिलता है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले सपोज फर्स्ट ट्राई पे आपको रिजल्ट 1, 2, 3, 4, 5 या 6 कुछ भी मिल सकता है। इसी तरीके से जो सेकेंड ट्राई है उस पर रिजल्ट क्या मिल सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कोई भी एक आउटकम्स मिल सकता है। तो अब आपके पास कितने रिजल्ट या कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो देखिए कैसे बनेगा। हो सकता है फर्स्ट पे 1 आए, सेकंड पे भी 1 आ जाए, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। हो सकता है फर्स्ट पे फर्स्ट है, सेकंड पे 2 आ जाए, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6 तो इस 1 को लेके टोटल 6 आउटकम्स बन सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड के लिए 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 मीन्स इस 2 को लेके भी 6 आउटकम्स बन सकते हैं। तो हर एलिमेंट के साथ 6 आउटकम्स बन रहे हैं आपके पास, तो टोटल 6, 6, 6, 6, 6 टाइम मीन्स 36 आउटकम्स है। तो यहाँ पे लिख दिया गया टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 36। ये तो हो गई एक कंडीशन हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स के बारे में। अब उन्होंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 9 or 10, 11। तो जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, जो टोटल आउटकम्स मिल रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड का जो नंबर को ऐड करके रिजल्ट मिलना है वो कितना मिलना है, 9 हो या तो फिर 11 हो। तो हमारे पास जो पॉस्ट इवेंट्स है वो क्या क्या है, फर्स्ट इवेंट क्या है, उन्होंने बोला है टोटल आउटकम्स 9 होना चाहिए।
और सेकेंड एलिमेंट जो है वो बोला है टोटल आउटकम्स कितने होने चाहिए, सम कितना होना चाहिए आउटकम्स का, 11 होना चाहिए। अब 9 आपको कैसे कैसे मिल सकता है, हो सकता है 3, 6 मिल जाए, 3, 6 तो इसका अपोजिट भी मिल सकता है 6, 3। अच्छा और 9 कैसे मिल सकता है, 4, 5, 5, 4, 4, 5 और 5, 4। और भी कुछ पॉसिबिलिटी है 9 आने की, नहीं, 7, 2 हो सकता था बट 7 तो होता नहीं है डाइस में, तो 7 पे नहीं जाएंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट मिल गए ए में, 4 एलिमेंट एंड ए एज ए 4। अब 11 कब कब बन सकता है, 5, 6, 6, 5, 5, 6 एंड 6, 5, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 11 होने की। सो बी में कितने आउटकम्स हैं, टोटल 2, ये हो गए। एन एस कितना है, 36। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया, हमको एन ए मालूम है, एन बी मालूम है और एन एस मालूम है, टोटल सैम्पल स्पेस में 36 एलिमेंट है, फर्स्ट इवेंट के अकॉर्डिंग 4 इवेंट्स एंड सेकेंड इवेंट जो है वो 2 टाइप्स अकर हो सकती है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ए के होने की पॉसिबिलिटी अगर निकाली जाए तो 4/36, 1/9, या 4/36 रहने देते हैं, ठीक है ना, कल हमें एलसीएम लेने में इजी होगा। एंड बी के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका 2/36 है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट इसको रहने दीजिए, फ़ायदा क्या होगा भी समझ में आएगा। आपसे कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आर बी, मीन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेन द टोटल एज ए 9 or 11, दो में से कोई एक हो। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, पी ए आर बी, ए आर बी, आर है इसलिए यूनियन होगा, एंड होता तो इंटरसेक्शन आता, पी ए प्लस पी बी। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड्स है ना, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दें, पी ए 4/36 एंड पी बी 2/36, 4/36 एंड 2/36। देखिए इसीलिए हमने 4/36 या 2/36 को सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि ये समझ में आ रहा था यहाँ पे 36 एज ए एलसीएम होगा। तो ये चीज़ तो जब आप प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करना बेहतर है कि ना करना बेहतर है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अदरवाइज रहने देते हैं। 6/36 क्या रिजल्ट हो गए, 1/6, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए यूनियन बी हो गए, मीन्स दोनों में से किसी एक काम के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6, क्लियर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, इन अ ग्रुप देयर आर 2 मैन एंड 3 वुमेन, 3 पर्सन आर सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द ग्रुप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 मैन एंड 2 वुमेन आर, 2 मैन एंड 1 वुमेन आर सेलेक्टेड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का तो है बट इसमें जो यूज़ होगा वो कॉम्बिनेशन का भी यूज़ होगा, मीन्स कितने तरीके से हम 2 मैन में से 1 मैन को सेलेक्ट कर सकते हैं या 3 वुमेन में से 2 वुमेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा, बल्कि इस क्वेश्चन पे आप लोग टिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ही इस लेवल का, बाकी क्वेश्चन तो आपके 10th लेवल के हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 11th लेवल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान दीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा एक आध बार। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हमको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ना हो। इन ए ग्रुप देयर आर 2 मैन एंड 3 वुमेन, 3 पर्सन आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप, मीन्स सेलेक्शन कितना होना, 3 होना है। पहली कंडीशन है, सपोज कर लीजिए ये केस ए है आपका, इस केस के अकॉर्डिंग जो कहा गया वो सुन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 मैन एंड 2 वुमेन, अब इसमें से 1 मैन को सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2C1, ये ध्यान दीजिएगा, एंड 2 वुमेन। सो फ्रॉम 3 वुमेन मेथड टू सेलेक्ट 2 वुमेन एज ए 3C2, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट हो गए, एन ए आपका हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू 2C1 मल्टीप्लाइड बाई 3C2। अभी हम इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी वो देखा जाएगा। अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको आता है तो ये काम हो जाएगा, अदरवाइज कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। एंड सेकेंड कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है, 2 मैन मीन्स फ्रॉम 2 मैन टू सेलेक्ट 2 मैन, एंड वे टू सेलेक्ट 1 वोमेन फ्रॉम 3 वोमेन, इस 3 में से एक वोमेन को सेलेक्ट करने का मेथड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2C2 मल्टीप्लाइड बाई 3C1।
C1, ये हो गए आपके ए एंड बी के कितने पैटर्न है, कितने तरीके से सेट कलेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी फॉर्मूला देख लीजिए। एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर एंड एन माइनस आर, ये भी फैक्टोरियल में रहेगा। तो इस सब की वैल्यू हमको ला के रखनी है, मीन्स 2C1, 3C2, देन 2C2, 3C1, इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले आइए उसकी वैल्यू निकाल देते हैं फिर यहाँ पे ला के रख देंगे, अदरवाइज आप इसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपने कॉम्बिनेशन देखा होगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना मिल जाएगा, 2C1 मीन्स आपको मिल जाएगा 2 एंड 3C2 मीन्स 3, है ना, ये हो जाएगा 6। किसकी वैल्यू हो गई, एन ए की वैल्यू हो गई 6 एंड 2C2 एज ए 1 एंड 3C1 एज ए 3, ये हो गया आपका 3, ये वैल्यू हो गई एन डी की, मीन्स हमको एन ए मालूम हो गया और एन डी मालूम हो गया। अच्छा, ये तो अभी हम लोगों को क्या मालूम है, सिर्फ एन ए और एन बी की वैल्यू मालूम है। टोटल ऑफ पॉसिबल आउटकम से सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट आ सकते हैं उसको निकाला जाए। अब एन एस जब निकालेंगे तो आपको ये समझना होगा टोटल आपके पास कितने लोग थे, 3+2 5, और उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन होना है, 3 लोगों का सिलेक्शन होना है, यानी कि 5C3, इसकी भी वैल्यू निकाल कर रख लें क्योंकि ये ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी। ये हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 माइनस 3, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 4 20 एंड 1, ये हो जाएगा 10। तो एन एस की वैल्यू हो गई 10। अब ज़रा सा प्रोबेबिलिटी देखें, दो में से कोई एक ही काम हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, या तो ये वाला सिलेक्शन होगा इस तरीके से सिलेक्शन होगा, या तो बी के मेथड से सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाले भी सिलेक्शन हो जाए, ये वाला भी सिलेक्शन हो जाए, या तो आप ऐसे सेलेक्ट करिएगा कमेटी को, अदरवाइज ऐसे सेलेक्ट करिएगा। तो पी ए यूनियन बी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हुआ ना, तो पी ए प्लस पी बी दोनों की वैल्यू हमको रखना होगा। अब जो पी ए की वैल्यू है वो कितनी है, 6/10 एंड 3/10, लाइए दोनों की वैल्यू पुट कर दें, 6/10 प्लस 3/10, 10 एज ए एलसीएम, सो 6+3/10 एज ए 9/10, ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। भाई किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो गई, क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 man 2 women आर 2 men 1 women आर सेलेक्टेड, मीन्स दो में से किसी एक ही काम के होने की ये प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। नाउ 5th क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो।